बाढ़ से उत्तर प्रदेश के कई जिलों का बुरा हाल है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इसके चलते मंदाकिनी किनारे बने सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। रामघाट के पास सभी दुकानें जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में दुकानदार अपनी दुकानों का सामान निकाल कर सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। आरोग्य धाम में जलस्तर बढ़ने से दोनों तरफ लोग फंस गए हैं। पानी कम हो रहा है और सामान खराब नहीं हो रहा है और सब मना कर दिया है, कोई आदमी नहाएगा नहीं। अभी मैं नाव से अंदर भ्रमण करके आ रहा हूँ। जौनपुर में शारदा नदी की सहायक नहर कटने से गांव में पानी घुस गया। नहर टूटने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। पानी गांव के रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गया है। हर तरफ पानी पानी दिख रहा है। नहर कटने के बाद लोगों ने सिंचाई विभाग को सूचना दी। अधिकारी तो छोड़िए, कोई कर्मचारी भी मौके पर नहीं पहुंचा। गांव में पानी भरने से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। कानपुर में गंगा का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा बैराज पर पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। वहीं शुक्लागंज की तरफ पानी ने कई गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। नरोना बांध से 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर के एक बैराज से 2,82,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 300 गेट खोल दिए गए हैं। इस वक्त न्यूज 18 की टीम आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पर है कि पानी का बहाव कहीं से कम नहीं हो रहा है। खेत अभी भी जलमग्न है, खेत हैं, कच्ची झोपड़ियां, यहां तक कि उनकी गृहस्थियां तक जलमग्न हो चुकी हैं। और अगर हम दाएं और बाएं दोनों छोरों की तरफ देखें तो एक साफ तौर पर खेत जलमग्न देखे जा सकते हैं और घाटों तक पानी अभी भी बना हुआ है। जल पुलिस लगाई गई है और इन सबके बीच बाढ़ चौकियां भी सक्रिय कर दी गई हैं, जो पूर्व से जिनकी ड्यूटियां लगाई गई थी। अगर नावों की बात की, नाव के संचालन पूरी तरीके से रोक रहेगा। आप देख सकते हैं नावें पूरी तरीके से खड़ी जहां तक कैमरे की नजर जा रही है। वहीं उत्तराखंड में ऋषिकेश के चीला मार्ग की बीन नदी बारिश की वजह से उफान पर है। बाइक सवार दो लोग नदी पार कर रहे थे, लेकिन अचानक नदी का पानी इतना बढ़ गया और दोनों लहरों के बीच फंस गए। सूचना मिलने पर SDRF की टीम पहुंची और दोनों को बचा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।